हेलो एंड वेलकम टू टूर माय नेम इज अक्षता भाटिया और हम जो यहाँ पर सीरीज शुरू करने वाले हैं वो एक्सट्रीमली है तो अगर आप उनमें से हैं हैं जो कि 12th के पेपर को देने वाले और आप सोच रहे हैं कि उसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दे कोई आगे का बता दे कुछ तो बता दे हमारी हेल्प हो जाए हमारे नंबर अच्छे आ जाए तो इसीलिए सीरीज स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई गई है स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन की गई है ताकि आप जो है ना इस चीज को ये देख सके कि आ, किस तरीके से आप पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या क्या टिप्स है क्या क्या ट्रिक्स है जो काफी हेल्पफुल है आपके लिए ठीक है ताकि आप क्या करें ना इसको एक तरीके से फॉलो करें सीखें ठीक है और अपनी प्रैक्टिस में ताकि आपको पता लग सके कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस भेजता है या क्या देता है है ना तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आंसर शीट भी इन्वॉल्व करने वाली हूँ ताकि आप असल में देख सके कि टॉपर लोग जो होते हैं ना उनकी क्या तरीके की आंसर शीट होती है किस तरीके की हैंडराइटिंग होती है क्या वो लिखते हैं ऐसा जिस जो एग्जामिनर को अच्छा लगता है और क्या वो आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं और उसको आप अगली बार जरूर ऐड करें ताकि आप इस बार बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर लाए तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को ठीक है और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने कुछ पुराने ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है वो सब मैंने देखो नहीं लिखा है ठीक है क्योंकि वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाता है तो हम सीधा टूटते हैं इसके सेक्शन वन पे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पहले 2019 की बात करने वाली हूँ 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एन पुराने क्वेश्चन पेपर जो 2019 में आ चुके हैं सीबीएसई में क्लास ट्वेल्थ में और उसके साथ साथ मैं आंसर शीट भी अटैच करूंगी ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो कि भाई बच्चा कैसे लिखता है टॉपर क्या लिखता है वो सब आप अपनी आंखों से देख सको ठीक है तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम जो है रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं ये उसका रीडिंग सेक्शन है ठीक है और ये इसका फर्स्ट अनसीन पैसेज है अब उसमें मैं एक बात आपको पहले ही बता देती हूँ वो ये है कि देखिये अनसीन पैसेज को जो ज्यादातर बच्चे करते हैं ना मैं कहूंगी एट्टी जो बच्चे करते हैं वो जिसको जैसे ही देखते हैं वैसे रीड करना शुरू कर देते हैं उसके बाद जब पूरा रीड कर लेते हैं उसमें दस मिनट लगा देते हैं उसके बाद जब क्वेश्चन रीड करते हैं उसके बाद वापस ये पैसेज पे दौड़ते हैं कि हाँ भाई इसका हमने देखा तो था शायद इस पैराग्राफ में था शायद इस पैराग्राफ में था उसमें जो है पांच मिनट और लग जाते हैं दस मिनट और लग जाते हैं और सारे क्वेश्चन करते तक ना आप बीस मिनट तक गवा चुके होते हैं इस तरीके से चलेंगे ना तो आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है आप अभी के अभी लिख लीजिए इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी आता है ठीक है इसलिए अगर शुरू से ही स्पीड मेंटेन करके रखेंगे ना तब जाके आपका तीन घंटे में खत्म होगा ठीक है वरना टीचर आके मांग रहा होगा और आप बोल रहे होगी मैम दो मिनट दो मिनट तो ऐसा नहीं चलेगा है ना तो जैसे कि मैंने बोला कि ये स्ट्रैटेजी को मारो गोली और एक नई अच्छा ऑलरेडी से से पे पे देख लीजिए कि कर... तो उसमें से कुछ ही होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं है कुछ ही कुछ इन्फॉर्मेशन ही होती है तो उन क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए और फिर जब आप शुरू से लेके वापस पैसेज को रीड करेंगे ना है ना तो जब उस बारे में आ रहा होगा ना कर रहे तो आप एकदम से क्या करेंगे आप एकदम से चौकन्ना हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा आपके मिनट मिन लगाओगे लगाओ तो यही हमारा आज का पर्पस है यही हमारा आज का पूरा, का पूरा एम है और ये सब चीजें ना आप अभी नोटिस कर सकते हो देखो मैंने तो इतना सारा आपको इंट्रोड्यूस करने में बता दिया कुछ टिप्स बता दी क्या स्ट्रेटेजी बच्चे फॉलो करते हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए मैं ये बता रही हूँ ठीक है लेकिन आप प्लीज अपना टाइमर चालू कर दीजिएगा ठीक है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन है रीडिंग हमारा क्वेश्चन नंबर वन है इसका जो टाइटल है वो है डोनेटेड ऑर्गन्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है तो आइए हम जैसे कि मैंने बोला कि हम पैसेज से पहले क्वेश्चन पे जाएंगे तो आइए देखते हैं सो वन पॉइंट वन का क्या क्वेश्चन है देखें कि वन पॉइंट वन है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अब पैसेज आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सो फाइव करने हैं ठीक है थीके? सारे के सारे नहीं करने हैं ठीक है थीके? तो फाइव करने हैं तो कोई बात नहीं हम देखते हैं द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन तो देखो ग्रीन कॉरिडोर की बात की गई है ग्रीन कॉरिडोर की बात की गई है तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे और ग्रीन कॉरिडोर के बारे में आएगा ना तो वी विल बी वेरी मच अवेयर कि हाँ भाई हमको आंसर मिलने वाला है अब ढंग से पढ़ लो है ना तो ग्रीन कॉरिडोर के बारे में एक है क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन किस बारे में है सेकंड क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्रेमिंग अ प्रपोजल टू एयरलिफ्ट कडावर ऑर्गन्स ठीक है तो मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन पे काम कर रही है क्या काम कर रही है एयरलिफ्ट कडावर ऑर्गन्स ठीक है तो जो प्रपोजल बनाने के लिए हेल्प कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन में देखिए क्या है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अब एक और चीज बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या जब भी आप जो है ना क्वेश्चन पढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन तो आपने चलो पढ़ लिया जब आप पैसेज पढ़ेंगे जब इनमें से जो सा ऑप्शन आपको दिख जाए ना आप मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है ठीक है जिनके बारे में पैसेज में बात ही नहीं आपको बता रही हूँ बड़ी हेल्प करेंगे तो आइए सी क्वेश्चन देखते हैं so uh, जब भी ऑनर की बात आएगी ना सो वी विल बी वेरी मच अवेयर हम एकदम चौकन्ना हो जाएंगे कि देखो मेरा सी वाला आंसर निकलने वाला है सो बी अवेयर है ना तो डी देखिए क्या है

नेक्स्ट इज हार्ट रिट्रीव फ्रॉम अ बॉडी इज अलाइव ओनली फॉर दैश आवर्स ठीक है तो कितने टाइम के लिए हार्ट जो नहीं अलाइव रहता है हम ये चीज चेक करेंगे तो आइए पढ़ते हैं अब अपने इसको और एक एक करके आंसर को ना ढूंढते हैं आइए ठीक है तो मैं साइड में ओके रीड कर रही हूँ एंड यू कैन ऑब्वियसली यू नो टेक द स्क्रीन शॉट यू नो यू कैन जस्ट पॉज एंड रीड अलॉन्ग विद मी सो सो वंस एन ऑर्गन डोनर्स फैमिली गिव्स इट्स कंसेंट एंड द ऑर्गन आर मैच टू अ अंट मेडिकल प्रोफेशनल आर फेस्ड विदर चैलेंज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन वाइल इंश्योरिंग दैट दर्गन रीचेज इट डेस्टिनेशन इन दॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ठीक है अब देखिए पैरा वन में आपका एक क्वेश्चन था जिसमें ओनर टास्क के बारे में बोला गया था हा कि ना ठीक है आपको वो आंसर मिल गया सिर्फ एक बार में पढ़ने पे ही मिल गया ठीक है तो आपको क्या करना है आपको मिल गया तो ओनरस चैलेंज था क्या जो ऑथर बात कर रहा था पैराग्राफ में वो ये था कि भाई जल्द से जल्द The harvested organ reaches its destination in the shortest possible time. So this is the challenge the author was talking about in the para 1 ठीक है तो आपको ये मिल गया ठीक है तो अभी मैं वापस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगी लेकिन आपको मतलब पता लग गया और चारों में से आपको जो ये दिख जाएगा ना वही आपका आंसर होगा तो आइए बढ़ते हैं आगे ठीक है Now द नेक्स्ट इज कि भाई

A green corridor is a route cleared and codoned off by the traffic police to ensure the smooth and steady transportation of harvested organs on most occasions to the awaiting a life saving transplant. Organs tend to organs tend to have a short

इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई चेन्नई ट्रैफिक पुलिस सो यू गॉट दी आंसर की पहला ट्रैफिक आपका ग्रीन कॉरिडोर कब बना था और कहा बना था सो इट वॉज इन चेन्नई तो फर्स्ट आंसर हमको मिल गया है ओनर टास्क हमको मिल गया है आपका हार्ट कितने टाइम तक अलाइव रहता है वो भी हमको मिल गया है है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट विल सी टू दैट ठीक है तो आपने देखा कि हमने एक बार इसको रीड किया तीन पैराग्राफ रीड किया एक्चुअली गॉट द आंसर ऑफ थ्री टू फोर क्वेश्चन इन जस्ट द मैटर ऑफ फोर टू सिक्स मिनट्स सो इन दिस वे ठीक है यही टेक्निक जो आपको अपनानी है ठीक है नाउ आगे देखिए क्या है आगे ये है कि सिमिलरली सच ग्रीन कॉरिडोर्स हम कहां पे थे लास्ट टाइम ओके सो चेन्नई ट्रैफिक पुलिस इन सितंबर 2008 व्हेन दे अकमप्लिश द टास्क ऑफ एनेबलिंग एन एंबुलेंस टू रीच इट्स डेस्टिनेशन विद इन 11 मिनट्स ड्यूरिंग पीक आवर ट्रैफिक दैट ऑर्गन सेव्ड नाइन ईयर ओल्ड गर्ल हुज लाइफ डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसप्लांट ओके सो मूविंग ऑन व्हाट वी हैव इज Similarly such green corridors have been created by traffic police of various cities such as Pune Mumbai Delhi NCR etc personnel are stationed at selected points to divert control and clear the traffic giving way to the ambulance apart from this a motor card of Police vehicles accompanies the ambulance, ensuring that it does not face any problems. So Delhi traffic police provided a green corridor from IGI Airport to Institute of Liver and Biliary Sciences in Vasant Kunj for transportation of a liver. The distance of 14 kilometers was covered in 11 minutes. So experts point out. <coughs> the lack of a robust system to transport organs to super speciality hospitals in least possible time national organ and tissue transplant organization noto the country's apex organ donation agency is now framing a proposal to airlift cadaver organs okay so this was the question also क्या कि वो कौन सी एजेंसी है जो आपका ये ड्राफ्ट कर रही है है ठीक जो आपका क्या कर रही है आपका प्रपोजल तैयार कर रही है ठीक है किसके रिलेटेड कटावर ऑर्गन सो इज दैट दैट इज नोटो तो हमको एक और आंसर भी मिल गया ठीक है तो इसी तरीके से देखें आगे पढ़े क्या है विच विल सेंड टू सेंड रिपोर्ट टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री तो नोटो तैयार कर रहा है प्रपोजल और वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजेगा ठीक है so cadaver organs have a short life and so transplant should be done within for a few golden hours. so uh, director noto expressed, therefore, we are preparing a proposal for airlifting organs at any given time. so most states do not have enough well-trained experts to retrieve or perform transplant procedures. also, there is an acute shortage of advanced healthcare facilities to carry out a transplant. so it is referred to big other centers in metropolitan cities. Okay. इसमें हमने देखा हमारा ये क्वेश्चन भी था कि ऐसा क्यों होता है कि भाई जो छोटे कंट्रीज होती है या सिटीज होती है सॉरी वो दूसरे स्टेट्स को जो बिग सिटीज है वहां पर भेजती है सो इट इज बिकॉज ऑफ द यू नो शॉर्टेज ऑफ वेल ट्रेड एक्सपर्ट्स और उसके बाद क्या देर इज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ना तो इस वजह से तो हमको ये आंसर भी मिल गया तो एक बार हम क्विकली आंसर पे जाते हैं ठीक है और आपको बताते हैं कि कौन कौन से आंसर मिल गया देखिए फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर वॉज क्रिएटेड इन चेन्नई ठीक है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है, द organ which is framing a proposal to airlift का दावर was Noto तो so, Noto देखिए क्या है नेशनल Organ and Tissue Transplant तो so, फिर आपको ये भी मिल गया, देखा आपने? इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद द owner stars the author is talking about in paragraph one was finding the organ donors, finding doctors capable of performing transplants to carry the harvested organ in the shortest possible time. Yes, this was the one. So C is the correct answer. Now most of the people do not go for the heart transplant ये भी तक आया नहीं है, so we'll leave

Is alive only for, कितने आवर्स के लिए ठीक है इट वॉज एक्चुअली फोर है ना यही था ना आपके आंसर में आपके पैराग्राफ में तो देखा आपने हमने पांच छे क्वेश्चन कर लिए हैं ठीक है विद इन द मैटर ऑफ जस्ट टेन मिनट्स टेन मिनट्स और हम बीस बीस मिनट लगा देते हैं ठीक है इसके बाद देखिए क्या है इसके बाद व्हाट इज ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर क्या था हमने पढ़ लिया था ठीक है ग्रीन कॉरिडोर क्या था हमने इसके सेकंड पैराग्राफ में ही पढ़ा था आपने ध्यान दिया हो तो हमने इसके सेकंड पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि देखिए हम्म द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स ठीक है तो आपको जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता लग गया आंसर का है है ना तो हम पहले क्या करेंगे अब हम सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं उसके बाद हम मार्क करेंगे ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं क्योंकि टेक्निक यही है कि हम पहले क्वेश्चन so, क्या है क्वेश्चन है कि वट इज अ ग्रीन कॉरिडोर वाई स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिट्रीट ऑर्गन नेसेसरी वट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ चेन्नई पुलिस विद रिगार्ड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड हार्ट वट डज दीन वाइ फ्यू गोल्डन आवर्स हाउ मच दिस हार्ट ट्रांसप्लांटेंट इनवेट हॉस्पिटल करते हैं ठीक है तो हमने ग्रीन कॉरिडोर कहाँ पढ़ा था हमने सेकेंड पैराग्राफ में ही पढ़ लिया था है ना? अभी हम उसपे जाएंगे सो वाई स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिट्री और क्यू जरूरी है क्योंकि अगर वो जल्द से जल्द नहीं होगा स्मूथ तो उनकी जान भी जा सकती है ठीक है ये भी आपके शुरुआती पैराग्राफ में ही था विल स्पॉट दैट अगेन इसके बाद क्या है कि वट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ चेन्नई पुलिस विद रिगार्ड टू द ट्रांसपोर्टेशन टूपोर्टेशन हार्वेस्टेड अब उन्होंने मिनट में कर दिया था था है ना जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रीन कॉरिडोर चेन्नई में हुआ था तो इससे पता लगता है कि उन्होंने एक लड़की की जान बचाई इट वाज एक्चुअली लाइफ सेविंग सिचुएशन फॉर देम है ना तो इससे ये पता लगता है और फ्यू गोल्डन आवर्स ये भी हमने पढ़ा था उसके बाद हाउ मच अब ये भी देखते हैं ठीक है ठीके? तो अब इसके आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो कहा है तो देखिये सबसे पहली बात जो हमने सबसे पहले पढ़ा सबसे पहले जो हमने पढ़ा देखिए वो कहा है मैं आपको बता देती हूँ ओके सो ये हमने पढ़ा था देखिए यहां पर देखिए कि ऑर्गन स्टैंड टू अ शॉर्ट प्रेजर्वेशन टाइम तो इसकी वजह से उनको जल्द से जल्द करना पड़ता है देखिए चेन्नई पुलिस का यहां पर आ गया कि उन्होंने अपनी 11 मिनट की जो नहीं जर्नी को किया था और उन्होंने जो है नाइन ईयर ओल्ड को बचाया था सो इट वॉज एक्चुअली लाइफ सेविंग वी ऑलरेडी डिस्कस दैट है ना तो ये तो हमको पता लग गया ठीक है अब इससे पहले वाला क्या था इससे पहले वाला देखिए आपका क्या था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये कि भाई शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में होना चाहिए ठीक है क्यों टू प्रिजर्व द हार्वेस्टेड ऑर्गन्स ठीक है तो इसके लिए क्या ये जरूरी है है ना तो उसपे क्यों स्ट्रेस किया था आपका जो क्वेश्चन था कि भाई जल्द से जल्द हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन सो दिस इज द रीजन सो आपको इसका आंसर मिल गया उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर की बात थी सो इट्स अ मेथड इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन बाय रोड इज रेफर टू एज ग्रीन कॉरिडोर तो आपको ग्रीन कॉरिडोर की डेफिनेशन मिल गई ठीक है तो ये आपको मिल गया उसके बाद भी आप मिल सकते हैं कि अ ग्रीन कॉरिडोर इज द रूट cleared and condoned off by traffic police to ensure a smooth, steady transportation of harvested organs, है ना तो ये आपको पता लग गया तो ये भी आपको मालूम पड़ गया तो ये green corridor वाला भी आपका हो गया है ना और आपका जो ये वाला क्वेश्चन था कि भाई क्यों आपका स्मूथ होना चाहिए ये भी आपका हो गया और क्यों स्मूथ uh, होना चाहिए कि ऑर्गन टेंड टू हैव अ वेरी शॉर्ट प्रिजर्वेशन ऑफ टाइम सच एज अ हार्ट हैज टू बी हार्वेस्टेड तो इसीलिए इसलिए स्मूथ होना चाहिए क्योंकि उनका शॉर्ट प्रिजर्वेशन टाइम होता है सो यू कैन एड दैट तो आपको देखिए तीन क्वेश्चन के आंसर और मिल गए हैं ठीक है थीके? और फ्यू गोल्डन आवर्स की बात हुई थी तो फ्यू गोल्डन आवर्स की कहाँ पे हुई थी बात ये आप मुझे बता सकते हैं यहीं कहीं पे मैंशन था ये यही कहीं पे मेंशन था सो विल सी कहां पे हम कर सकते हैं ये यस फ्यू गोल्डन आर्ज देखिए ठीक है तो ऑथर ने ये क्यों बोला क्योंकि फ्यू गोल्डन आर्ज में क्यों होना चाहिए ठीक है इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा ऊपर भी पढ़ा कि भाई उसका जो हार्वेस्टेड का टाइम होता है ना उनका शॉर्ट प्रेजर्वेशन टाइम होता है अगर वो टाइम पे नहीं हुआ तो भाई ऐसा हो सकता है ना कि भाई उसकी जान भी जा सकती है जैसे कि हमने चेन्नई वाले में भी पढ़ा कि भाई नौ अगर अगर नहीं पढ़ेंगे ना वो मतलब कि उसी टाइम अगर ग्यारह मिनट में नहीं होता तो शी माइट है उसका सारा का सारा ट्रांसप्लांट पे ही था बेस्ड तो इसका हमें मिल चुका है ठीक है सारा का सारा हमें आंसर इसके ऑलरेडी मिल चुके हैं ओके okay, सो so ये हमने देख लिया अब आगे देखते हैं क्या है तो हमारा फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ हो गया फिफ्थ भी हो गया तो हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए ठीक है थीके? तो ये हमें करना है अभी कि हाउ मच दस अ ट्रांसप्लांट कॉस्ट ठीक है तो गोल्डन आर्स का बता चुकी हूं मैं चेन्नई तो पुलिस का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट प्रिजर्वेशन ऑफ टाइम होता है और ग्रीन कॉरिडोर भी हम कर चुके हैं ठीक है तो लास्ट वाला अब हम जो हमारा लास्ट पैराग्राफ रह गया था हम एक बार वो रीड कर लेते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो ओके okay, सो so हमने ये भी पढ़ लिया था उसके बाद ये कि इन इंडिया अबाउट 50,000 थाउजेंड टू वन लाख पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट हार्ट फेलियर एंड नीड हार्ट ट्रांसप्लांट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ प्राइवेट सेटअप हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट 15 टू ट्रांसप्लांटी लैक्स ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन था कि कितने पैसे लगते हैं तो हमें पता लग गया कि फिफ्टीन टू ट्वेंटी लैक्स लगते हैं और उसके बाद आपका पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन होता है ऑफ अबाउट थर्टी पर मंथ लाइफ लॉन्ग तो इतने पैसे आपके लगते हैं ठीक है तो आपका लाइफ लॉन्ग तब आपको तीस भी देना पड़ सकता है महीने

इट मे कॉस्ट डेट टू द रेस्ट येस इट इट कैन बट द कॉस्ट इज प्रोहेबिटिव ये दिस इज द आंसर बिकॉज द कॉस्ट इज वेरी वेरी प्रोहेबिटिव ठीक है तो ये भी आपको आंसर मिल गया तो हमने ये सारा कर लिया है हमने जो है इसके बाद भी कर लिया है तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है जो कि ये है अब ये बहुत आसान होगा देखिए और सबसे पहले आप अगर मेरी बात माने ना तो मैं तो आपको ये बोलूंगी कि सबसे पहले ना इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना मतलब कि की पहले से ही देख लेना कि भाई आपको पैरा वन में सेव का ढूंढना है और पैरा थ्री में अचीव का ढूंढना है है ना तो ये मैंने पहले नहीं देखा लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको पहले देखेंगे ना तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा तो आइए चलते हैं पैरा वन पे सेफ का आपका सेम मीनिंग ढूंढने और पैरा थ्री में अचीव आउट ओके सो विल मूव फॉरवर्ड तो वन में अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा वर्ड है आइए देखते हैं सो Once an organ donor's family gives its consent and the organs are matched to a recipient, medical professionals face with the onerous challenge of transporting organs while ensuring that the harvested organ reaches its destination in the shortest possible time. This is in order to preserve. So save. In, this is in order to save the harvested organs. TikTok save ka kya word aagaya? preserve. ठीक है तो हार्वेस्टेड और उनको सेव करने के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए तो ऑब्वियसली आपका सेव का इसमें क्या हो जाएगा प्रिजर्व आंसर हो जाएगा तो इसका तो इसका हमको मिल गया थ्री में हमारा क्या था कैरिड आउट सो द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय चेन्नई ट्रैफिक पुलिस वेन दे अकम्प्लिस्ड दे टास्क एंड एंड पुलिस टू रीच डेस्टिनेशन विद इन इलेवन मिनट्स ड्यूरिंग पीक आवर

ठीक है तो आपको इसका आंसर भी मिल गया तो डेफिनेटली आपका ये सॉल्व हो चुका है पूरा का पूरा ठीक है तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको रीडिंग एक बार करनी पड़ेगी देखो आपको समझाने के लिए इसको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब आपको कैप के क्वेश्चन करने हैं तो आप उसको पहले रीड कीजिए और एक बार सारे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए ताकि जब आपका आएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तो आइए शुरू करते हैं ठीक है इस मतलब सॉरी इस वीडियो को एंड करते हैं सो विल कॉल इट अ डे देन लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि देखिए अगर आप किसी को जानते हैं जो नी 2021 को एम कर रहा है तो प्लीज उनको इस क्रिसमस पे गिफ्ट दीजिए सैंटा बनके ठीक है उनको ये ऑफर बताइए जो कि सिर्फ और ट्रिपल नाइन रुपीज में अवेलेबल है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा ठीक है सब कुछ मतलब कि सब कुछ तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इसमें हर चीज मिलने वाली है ठीक है मैं आपको कहूंगी नोट से लेके नोट से लेके आपको टेस्ट सीरीज तक आपको स्टडी मटेरियल तक सब कुछ मिलेगा तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप उनको इस बार कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिए सब्सक्राइब सब सरप्राइज़ कीजिए ठीक है इसके साथ ठीक है तो आप उनको डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं और एक और क्रैश कोर्स की अगर बात करूँ तो एक एकेडियो ने लॉन्च किया है वो ठीक है और वो इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर है और ये फिफ्टी परसेंट पर अवेलेबल है डिस्काउंट पे तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधारना चाहते हैं ना सो so प्लीज़ इसको अवेल कीजिए बहुत अच्छा कोर्स है उसके बाद में एक और बात बताना चाहती हूँ देखे एकेडियो के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप मेरे ऊपर देख सकते हैं तो अगर आपको किसी भी तरीके की मतलब तो तैयारी करनी है आप किसी को जानते हैं किसी भी तरीके की उनको तैयारी करनी है तो प्लीज एक बार आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जरूर जाइए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू का जरूर मिलेगा सो so, आज के लिए इतना ही ठीक है जस्ट कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशन वेरी सोन सो आई एल मीट यू ठीक है वेरी सून विद अनदर सेशन जो इसके कंटिन्यूड सेशन होगा ट्वेल्थ का तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए ठीक है और अपने मार्क्स खूब अच्छे लाइए इस बार के बोर्ड्स में सो वील मीट सून टिल देन आई जस्ट यू नो मीट अनदर टाइम अनदर डे विद अनदर सेशन सो बाय एंड थैंक यू